हेलो भाइयों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। सबसे पहले सभी भाइयों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये दिवाली आपके लिए सबसे ज़्यादा स्पेशल हो, ऐसी मेरी कामना है। अब यहाँ पर आज बात करेंगे अपन वर्ल्ड कप का, जो आज के दिन का पहला मैच होगा जो खेला जाएगा बांग्लादेश और नीदरलैंड के बीच में। तो इस मैच की मैं आपको पूरी की पूरी जानकारी दूंगा। बस भाइयों, वीडियो पूरा वॉच करना है, ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प पहुँचाएगा। सबसे पहले भाइयों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए और अगर आपने अब तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि वहीं पर आपको जो फाइनल अपडेट्स होती है ना, जैसे कि प्लेइंग 11 हो गई, फाइनल टीम हो गई, ये सब आपको वहीं पर मिलने वाली हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है, एक तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, दूसरा आप कमेंट सेक्शन में जाओगे इसी वीडियो के, तो जो सबसे पहला कमेंट आपको मिलेगा ना टॉप पर पिन किया हुआ, उसमें भी आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। बात करते हैं यहाँ पर मैच के बारे में। तो ये जो मैच है 9:30 बजे स्टार्ट होगा मॉर्निंग में। मैच खेला जाएगा ब्लंडस्टोन अरेना होबार्ट में। और ये जो विकेट है, बैटर्स को तो मदद करता ही है लेकिन बॉलर्स को भी यहाँ पर बराबर हेल्प मिलती है। एवरेज स्कोर 140 से 160। 7 मैचेस यहाँ पर हो चुके हैं अब तक, ग्रुप स्टेज के मिला के और एक सुपर 12 का मैच मिला के। 3 जीते हैं बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने, 4 में यहाँ पर चेज हुआ है। अब देखो, 7 मैचेस जो यहाँ पर अब तक हुए ना, उसमें आप देखोगे फर्स्ट इनिंग में फास्ट को 25 विकेट है, स्पिनर्स को 16 विकेट है। सेकंड इनिंग में फास्ट को 25 विकेट है, स्पिनर्स को 14 विकेट है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो दोनों को विकेट मिल रहे हैं, मतलब फास्ट बॉलर्स को भी विकेट मिल रहे हैं और स्पिनर्स को भी विकेट मिल रहे हैं। अब तक इन दोनों टीमों के बीच में टोटल 3 मैचेस हुए हैं, जिसमें से बांग्लादेश ने 2 जीते हैं और नीदरलैंड ने 1 जीता है। तो हेड टू हेड में यहाँ पर पलड़ा भारी है बांग्लादेश का। अब पहले बात करेंगे बांग्लादेश की टीम की। तो बांग्लादेश की जो टीम है, यहाँ से ओपन करनी चाहिए नजमुल हुसैन सेंटो और लिटन दास। नजमुल हुसैन सेंटो की बात करूँ तो करियर में इसने 12 मैच खेले हैं, जिसमें 204 रन है, 18 का एवरेज है और 0 विकेट है। रिसेंट फॉर्म की बात करूँ 16, 33, 11, 12, 12 है, मतलब ठीक ठाक सा ही फॉर्म है इसका। या तो देखो नजमुल हुसैन सेंटो ओपन करेंगे या फिर एक और प्लेयर है जो ओपन कर सकता है, मेहदी हसन मिराज। आपने देखा होगा हाल के कुछ मैचों में इसने बहुत ओपन किया है, लेकिन अभी के लिए मैं मानकर चल रहा हूँ क्योंकि लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन के लिए ये दोनों ओपन करनी चाहिए। और लिट्टन दास की बात करूँ तो इसने करियर में 60 मैच में 1261 रन किए, 21 का एवरेज है। रिसेंट फॉर्म 25, 35, 15, 23 और 69 है, तो बढ़िया फॉर्म है इसका। फिर आएंगे इनके कप्तान साकिब अल हसन, लेफ्ट हैंड बैटिंग, स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है। यहाँ पर इन्होंने नीदरलैंड के खिलाफ 3 मैच खेले हैं, जिसमें 17 रन है और 6 विकेट है। और रिसेंट फॉर्म की बात करूँ तो 16 रन 0 विकेट है, 70 रन 0 विकेट है, 68 रन 0 विकेट है और 1 रन 2 विकेट है। तो बढ़िया फॉर्म से आ रहे हैं ये, इंपॉर्टेंट रहेंगे। अफीफ हुसैन की बात करूँ तो करियर में यहाँ पर 55 मैच में 908 रन, 21 का एवरेज, 8 विकेट है, लेकिन हाल फिलहाल के मैचों में इसने बॉलिंग बिल्कुल भी नहीं करवाई है। बल्ले से यहाँ पर 25, 24, 4, 11, 0 हैं। फिर आएंगे इनके विकेट कीपर नूरुल हसन, करियर में 41 मैच में 404 रन, 17 का एवरेज है। रीसेंट फॉर्म 8, 25, 2, 2, 13 हैं। फिर आएंगे ऐसे मुसद्दिक हुसैन, राइट हैंड बैटिंग और ऑफ ब्रेक पार्ट टाइम बॉलिंग करवा लेता है। करियर में 28 मैच में 351 तो रन है इसके नाम, 20 का एवरेज और 16 विकेट है। और रीसेंट फॉर्म 0 रन 0 विकेट, 2 रन 0 विकेट, 9 रन 0 विकेट और 29 रन 0 विकेट है। यासिर अली चौधरी बहुत नीचे आता है बैटिंग करने, 7 मैच खेला है करियर में, 89 रन है, रिसेंट फॉर्म 42, 7, 6, 1, 0 है। फिर आएंगे यहाँ से नसूम अहमद, स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है। करियर में 27 मैच में 44 रन, 31 विकेट है। रिसेंट फॉर्म 2 रन 1 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट है। मुस्तफिजुर रहमान इनका सबसे मेन बॉलर है, लेकिन हालिया फॉर्म इसका उतना अच्छा रहा नहीं है। करियर में 73 मैच में 94 विकेट है और रिसेंट फॉर्म 0 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 0 विकेट और 0 विकेट है। तस्कीन अहमद, हेड टू हेड में 1 मैच में 0 विकेट है, करियर में 41 मैच में 28 विकेट है, रिसेंट फॉर्म इसका बढ़िया है, 1 विकेट, 2 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट, 3 विकेट है। हसन महमूद, ये भी बहुत तेज बॉल डालता है, 6 मैच में 7 विकेट इसके नाम है करियर में, रिसेंट फॉर्म 1 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट और 2 विकेट है। अभी के लिए ना, मैं इनकी टीम की तरफ से मैं मान के चल रहा हूँ कि भाई बांग्लादेश की टीम मैच जीतनी चाहिए, इस हिसाब से मैं इन तीनों को रख लूँगा। और नीचे से यहाँ पर मैं इनके बॉलर, यानी कि मैं आज से पिक करने वाला हूँ मुस्तफिजुर रहमान, तस्कीन अहमद और हसन महमूद या फिर नसूम अहमद में से कोई एक। बाकी जो इनके बेंच पर प्लेयर हैं उनके भी स्टेट्स आप देख लो। मेहदी हसन मिराज है, मैंने आपको बताया अगर खेलेगा तो ओपन करेगा। करियर में 18 मैच में 205 रन, 8 विकेट है। रिसेंट फॉर्म 46 रन 0 विकेट, 10 रन 1 विकेट, 5 रन 0 विकेट और 16 रन है। इबादत हुसैन है, सिर्फ 6 ही मैच खेला है, 3 ही मैच खेला है करियर में, लेकिन 6 विकेट है, क्योंकि तेज बॉल डालता है।
2 विकेट, 3 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट रिसेंट फॉर्म है। सौम्या सरकार है, हेड टू हेड में 1 मैच में 15 रन है, करियर में 68 मैच में 1163 रन, 10 विकेट है, रिसेंट फॉर्म 23 रन, 0 विकेट, 4 रन, 1 विकेट और 1 रन 0 विकेट है। फिर यहाँ से सोरीपुल इस्लाम है, करियर में 28 मैच में 32 विकेट है, रिसेंट फॉर्म 0 विकेट, 3 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट और 0 विकेट है। ये भी बढ़िया बॉलर है। स्टार्टिंग के ओवर यहाँ से डालेंगे तस्कीन अहमद, हसन महमूद, नसू महमद। डेथ के ओवर डालेंगे मुस्तफिजुर्रहमान, हसन महमूद और तस्कीन अहमद। तो ये तो बात हो गई बांग्लादेश की टीम की, अब बात करेंगे नीदरलैंड की टीम की। नीदरलैंड की टीम पता ही है आपको, ग्रुप स्टेज खेल के यहाँ पर आप पहुँची हैं, 3 में से 2 मैच जीती हैं ग्रुप स्टेज में। ओपन करेंगे इनकी तरफ से मैक्स ओडाउड और विक्रमजीत सिंह। मैक्स ओडाउड की बात करूँ, 23, 35, 71 नो डाउट है, मतलब कंसिस्टेंट रहा है बंदा, इंपॉर्टेंट प्लेयर है। विक्रमजीत सिंह पहले में 10 हैं, फिर 39 हैं, फिर 7 है। इसका मेरे को रिकॉर्ड उतना अच्छा लगा नहीं है, क्योंकि ये ना हिट एंड मिस टाइप प्लेयर है। देखो पहली बॉल से आते ही शॉट मारता है, अगर कनेक्ट हो गए तो ये ऐसा भी बंदा है कि 15-20 बॉल में आपको 30-40 रन दे दे। ये पर ये भी चांसेस के साथ के साथ है कि 10 से नीचे भी आउट हो जाए, क्योंकि रिस्क लेता है। फिर आएंगे ऐसे बास डी लीड है, बहुत बढ़िया प्लेयर है। पहले में 14, 3 विकेट, फिर 30, 2 विकेट, फिर 14, 2 विकेट, तो ऑलमोस्ट हर मैच में इसने मैच विनिंग नॉक दी है टीम के लिए। कॉलिन एक्रमन पहले में 17, फिर 0, 1 विकेट, फिर 0 रन है, 17 मैच में 317 रन, 7 विकेट है इसका करियर का रिकॉर्ड है। फिर आएंगे ऐसे टॉम कूपर, प्लेयर बहुत बड़ा है लेकिन ये सीजन उतना अच्छा रहा नहीं है, 8, 6 और 16 है। हेड टू हेड में 3 मैच में 16 रन, 5 का एवरेज, 0 विकेट है, और करियर में 28 मैच में 582, 25 का एवरेज, 3 विकेट है। स्कॉट एडवर्ड टीम के कप्तान, 16 नो डाउट, 1 और 21 है, 46 मैच में 561 रन इसके नाम है। फिर आएंगे ऐसे टिम प्रिंगल, इनका सबसे अच्छा बॉलर मेरे को लगा है स्पिनर्स में। पहले में 15, 1 विकेट है, दूसरे में 8, 1 विकेट है, और फिर 2 रन, 0 विकेट है, और करियर में यहाँ पर इसके नाम 10 मैच में 6 विकेट है। फिर आएंगे ऐसे टी वेंडर गगटन, 0 विकेट है और 1 विकेट है, लेकिन इसको आप ग्रैंड लीग में ज़रूर रखना। क्यों रखना? क्योंकि मैंने देखा है ये चाहे रन दे, चाहे कितने भी रन दे, फिर भी ये ना 18 से 20 के बीच में 2 ओवर आपको डालता नजर आएगा, या तो 18वां और 20वां डालता है, या फिर 17वां और 19वां भी डाल लेता है, मतलब 17 से 20 के बीच में 2 ओवर कन्फर्म डालता है। तो ग्रैंड लीग में रखना, और इसका जो रिकॉर्ड है ना बांग्लादेश के खिलाफ, 3 मैच में 7 विकेट है, तो ये भी चीज़ आप थोड़ा ध्यान में रखना। फ्रेड क्लासन पहले में 2 विकेट, फिर 0 विकेट, फिर 1 विकेट है, ये भी स्टार्टिंग और डेथ में आता है। पी वैन विक्रम इनका सबसे तेज बॉलर है, बहुत फास्ट गेंद डालता है, 0 विकेट है, 1 विकेट है और 2 विकेट है, हेड टू हेड में भी 1 मैच में 2 विकेट है, और करियर में 53 मैच में 56 विकेट है। आर वेंडर मर्वे को भाई लास्ट जो मैच हुआ था वहाँ पर बैक में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, तो मेरे हिसाब से इसका खेलना बहुत मुश्किल है। 1 विकेट था यहाँ पर, 1 विकेट था यहाँ पर, 0 विकेट था, हेड टू हेड में 1 मैच में 1 विकेट है, वैसे मेरे हिसाब से खेलेगा नहीं। बेंच पर जो प्लेयर है उनके भी स्टैट्स आप देख सकते हो यहाँ पर, सब प्लेयर के स्टैट्स हैं, जो भी इनमें से खेलेगा उसके स्टैट्स मैं आपको दे दूंगा। इनकी तरफ से स्टार्टिंग के ओवर डालेंगे फ्रेड क्लासन, टिम प्रिंगल, आर वेंडर मर्वे। डेथ के ओवर डालते हैं टी वेंडर गगटन, फ्रेड क्लासन, बास डेलिडे। एनालिसिस वाला जो पार्ट है इस मैच का वो हो चुका है कंप्लीट, अब यहाँ पर अपन चलेंगे डेमो टीम की तरफ। बात करूँ यहाँ पर डेमो टीम की, डेमो टीम में मैंने यहाँ पर विकेट कीपिंग सेक्शन से अभी के लिए रख लिया है लिट्टन दास को, बैटिंग सेक्शन से अभी के लिए मैंने विक्रमजीत सिंह, अफीफ हुसैन, मैक्स ओडाउड और नजमुल हुसैन सेंटो को रखा है, ऑलराउंडर सेक्शन से बास डी लीडे और साकिब अल हसन को रखा है, और बॉलिंग सेक्शन से हसन महमूद, पी वैन विक्रम, मुस्तफिजुर्रहमान और तस्कीन अहमद को रखा है। लेकिन इसमें चेंज आप क्या कर सकते हो, अगर यहाँ पर पहले बॉलिंग करती है ना नीदरलैंड, तो आप विक्रमजीत सिंह को ड्रॉप करना और यहाँ से आप टिम प्रिंगल को या फिर फ्रेड क्लासन को टीम में रख सकते हो। कैप्टन मेरे यहाँ से रहेंगे अभी के लिए साकिब अल हसन, वाइस कैप्टन बास डी लीडे हैं। लेकिन इस मैच की जो भी फाइनल टीम होगी आफ्टर टॉस आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में सबसे पहले कमेंट में टॉप पर पिन किया हुआ आपको मिल जाएगा। तो थैंक यू भाइयों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।